अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका भाई कामरान। ईद की चौथा दिन हो गया आज यहाँ पे, और सुबह का इस वक्त 6:30 या 7:45 के तकरीबन है। और मैं बना रहा हूँ खाना ड्यूटी से आने के बाद, शमशाद भाई अभी आए हैं। इस दरमियान मक्का मदीने की वैकेंसी है, इसके बारे में भी आपको बता दूंगा। और खाना बनाते बनाते आपसे मिलते हैं आज, है ना। तो वैकेंसी जो है उसके बारे में मैं बता दूंगा। वीडियो 4 से 5 से 6 7 मिनट की होगी, बस बने रहे मुकम्मल। सर्विस क्रू की जॉब ही है वो दोनों, और काफ़ी अच्छा जॉब है, सैलरी वगैरह भी अच्छी है। बहरहाल अभी मैं बना रहा हूँ खाना, जिसमें मैंने अपना प्याज को तकरीबन जलाकर पूरा काला कर दिया, लेकिन खा सकते हैं। खुद के हाथ से कुछ भी बन जाए ना तो आपको खाने में बेहतर लगेगा। ड्यूटी से आने के बाद सर्विस क्रू की जॉब इतनी भी आसान नहीं है दोस्तों। अब जो रियलिटी है अब आपको देखने को मिलेगी। मैंने जब से आपको बता रहा था, बिल्कुल आसान बता रहा था ना, शमशाद भाई देखिए उनका 12 घंटा होने वाला, अभी तक आए नहीं वो। बहरहाल इंतजाम मैंने सब कुछ कर ही के आया है, ठीक है। तो आपको भी इसी तरह इंतजाम करके ही आना है। किस तरह का इंतजाम, मतलब अगर आप जॉब करें किसी होटल में तो सब इंतजाम करके आया। तो ये टमाटर है कटा हुआ, मैंने वहीं से लेकर आया रेस्टोरेंट से। प्याज यहाँ पे पतीला में चढ़ा हुआ है और तकरीबन प्याज हो चुका है। तो क्या बनाएंगे, मिक्स वेजिटेबल है वही बनाएंगे, है ना। मेरे एक दोस्त है इलियास, कोलकाता के टॉपिया से है। इलियास भाई अगर आप देख रहे तो देखो मैं वेजिटेबल बना रहा हूँ, जो रियाज में भी हम लोग साथ में खाए थे। तो पूरा टमाटर मैंने डाल चुका है, ठीक है। और जो वेजिटेबल है वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और इस दरमियान आपका भाई का मोबाइल गिर गया, मेरे हाथ थोड़ा सा हाथ टेस्ट कर देता हूँ। प्याज थोड़ा सा ज्यादा जल गया, लेकिन इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़कर बना रहे बेहतर लगेगा। ये है पूरी वेजिटेबल, जिसमें आपका इसमें आपका सब कुछ है, ठीक है। बंधा गोभी है, लाल शिमला मिर्च है, हरा शिमला मिर्च है, कैरोट है इसमें, और भी एक वेजिटेबल है। आपके भाई को तो इंग्लिश आता नहीं उतना, तो नाम उसका समझ में नहीं आ रहा, जो सच्चाई में वो बता रहा हूँ, छुपा कर क्या करना आपसे। तो बस यही बनाएंगे, लेकिन जानदार शानदार मसालेदार बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। बनाकर मिलते हैं आपसे। तो आपका भाई ने खाना बना दिया है और थोड़ी सी चावल है। शमशाद भाई को मैंने कह दिया कि आप बकाला से आते वक्त 2 रोटी ले लेंगे, क्योंकि जो सालन है ना उसमें रोटी अच्छा लगेगा। अच्छा, इस तरह बेहतर लग रहा हूँ, ये कैप लगाकर बेहतर लग रहा हूँ। ये ड्यूटी की कैप है तो इसको ड्यूटी में इस्तेमाल करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। यहाँ पे अभी तक इसी तरह है, इसमें बाद में धोया जाएगा। पहले मैं आपको वैकेंसी के बारे में अपडेट दे देता हूँ, है ना, ताकि आप लोग भी ज़्यादा बोर ना हो, वरना फिर आप बोलेंगे कामरान भाई आपने तो पूरा पका कर बोर कर दिया और वैकेंसी के बारे में बताया नहीं। और बंदे लोग भगा भगा कर भी देखते हैं, पूरा देखना नहीं चाहते। कामरान भाई को थोड़ा सपोर्ट करें, अभी आपकी सपोर्ट की जरूरत है अपने कामरान भाई को। तो दोस्तों जो वैकेंसी है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, सबसे अच्छी बात यह है कि जिन लोगों ने ओमान के लिए सीवी डाला था, 1 by 1 उनके पास कॉल आना शुरू हो गया है सीवी सिलेक्शन का, ठीक है। उड़ीसा के एक बंदे थे खान, सॉरी शमशाद, जिन्होंने ऑनलाइन सीवी सिलेक्शन में डाला था, तो उनके पास कॉल चली गया है। जो भी डाले थे प्लीज नंबर ऑन रखें, सिलेक्शन आपका भी हो जाएगा। चलिए अभी मैं बात करता हूँ आपसे वैकेंसी के बारे में, और बड़ा ही इत्मीनान सुकून के साथ आपको बताकर चले जाऊंगा, ओके। तो ये है अंजुम होटल, इंशाल्लाह जब मैं जाऊंगा मक्का मुकरमा यानी कि हरमैन शरीफेन जिसे हम लोग कहते हैं, मक्का भी कहते हैं, तो वहां पे एक अंजुम होटल है जिसमें सिर्फ 3 से 4 महीने के लिए बंदे चाहिए। यहाँ पे लिख भी दिया अंजुम होटल, ठीक है, हो सकता है कहीं और भी आपको डाल दे, लेकिन रिक्वायरमेंट में अंजुम होटल लिखा हुआ। हाउस कीपिंग, रूम अटेंडेंस, किचन चाहिए, किचन हेल्पर, कोल्ड सेक्शन और हाउस कीपिंग सुपरवाइजर, बेल कैप्टन। इसकी अच्छी खासी सैलरी है जो आप देख लेंगे जहां पे मैं पोस्ट करता हूँ, ठीक है। सर्विस चार्ज काफी कम है। ये हो गया था। दूसरा मैं बता दूं, ओनली मुस्लिम चाहिए मक्का और मदीने के लिए। 3 से 4 महीने के शट डाउन की वीजा है सिर्फ हज वालों के लिए, ठीक है। हाउस कीपिंग सुपरवाइजर, होटल क्लीनर, रूम बॉय, बेल बॉय, कैप्टन, हॉट किचन कुक, कोल्ड किचन कुक, पेस्ट्री मैन, बेकरी मैन, बूचर, रेस्टोरेंट कैप्टन, वेटर। अच्छी खासी सैलरी है, सबका सैलरी 1500-1200 है, ठीक है। और दूसरी जो है वो फीफा वर्ल्ड कप का रिक्वायरमेंट, काफी अच्छी सैलरी, 6500 रियाल। इसका मतलब बंदे को काट छाट के बिल्कुल अच्छे वाले बंदे इसमें चाहिए।
अच्छा सबका बता दिया, मैं इसका इंटरव्यू का डेट बता दे रहा हूँ, मक्का मदीने वाली का 6 से 7, मतलब कल और परसों इंटरव्यू हो जाएगा। जो लोग भी कोलकाता पहुँच सकते हैं पहुँच जाएं सर, काफ़ी कम इसका सर्विस चार्ज है, फ्री फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, कंपनी मेडिकल वगैरह सब कुछ देगी। 11 घंटे की ड्यूटी है और हजम हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा भी ड्यूटी हो सकता है। जो भी बंदे जाएंगे सोच समझ के दिल जहन इजाजत देगा तभी अप्लाई करना, वरना कामरान भाई अगर आपके लिए अच्छा जब तक है, जब तक आपको जॉब, अगर आपको जॉब दिला दिया तो अच्छा है, जॉब नहीं दिला पाया तो आप गाली गलौज करके जाते हैं, तो ऐसा ना करें दोस्त, ठीक है। बहुत सारे कंपनियां हैं, बहुत सारी एजेंसियां हैं, बहुत सारी ऑफिस जाएं जहां पे आपको अच्छे से गाइड किया जाता है उन्हीं के पास जाएं, लेकिन कुछ भी बैड वर्ड यूज ना करें, ठीक है। अगर आप मुझे बैड वर्ड वो यूज करके जाओगे तो मैं तो यूज नहीं करूंगा उसके बदले में, लेकिन अपने जुबान पे थोड़ी सी लगाम रखें और अदब और एहतराम के साथ बात करें। मैं इसे इसलिए कह रहा हूँ कि एक बंदे ने मुझे, नेपाल वाले थे उन्हें जॉब मांग रहे थे, मैंने कहा भाई आपको इंडिया आनी पड़ेगी या तो फिर मैं नेपाल के लिए कुछ नहीं कर सकता, अब वो मुझे गाली दे रहे, तो ऐसा नहीं होता है दोस्त। रब ताला आपको अक्ल दे और अक्लो सऊर दे आपको, ठीक है। तो यही वैकेंसी थी जो आप टेलीग्राम पर जाकर देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा, जाकर ज्वाइन कर ले, देख लें। व्हाट्सएप का भी लिंक होगा, नंबर होगा वहां पर, फेसबुक पेज का भी होगा, तो व्हाट्सएप पे बातें कर सकते हैं, वक्त मिलेगा तभी मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। बहुत सारे भाई का कंप्लेन भी है लेकिन क्या करें दोस्त, देखिए भी शमशाद भाई का 12 घंटे का ड्यूटी, तो सर्विस क्रू की लाइन इतनी भी इजी नहीं होती दोस्त, हम लोग को टाइम निकालना पड़ता है। तो आपका भाई आपको अपडेट भी दे रहा, कुवैत वाला का जो वीडियो सिलेक्शन था आज या कल मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ओमान वाले जो थे जो सीवी सिलेक्शन थे उनके पास फोन आना शुरू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा खाना भी बनकर रेडी हो गया और ये थोड़ा सा चीज है जो गर्म पानी से धुल जाएगा, वैसे यहाँ भी ये रखा हुआ है फेरी का, देखें बर्तन वॉश करने के लिए, पसीना भी हो चुका क्योंकि मैं एडजस्ट फैन बंद करके रखा हूँ। तो यही थी अपडेट दोस्तों, वीडियो 4+2 7 मिनट का हो गया, ठीक है। अपने भाई को सपोर्ट करें, फिर इंशाल्लाह कोई नए अपडेट के साथ मिलता हूँ। वैकेंसी आप लोग जाकर देख लें, इंटरेस्टेड है वो, दिल जहन इजाजत दे तो फिर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।